गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है 11 अक्टूबर और आज के इस सेशन में 11 अक्टूबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो एक बार आप सभी शेयर कर देंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। लड़कियों के लिए गैर पारंपरिक आजीविका में कौशल पर राष्ट्रीय सम्मेलन बेटियां बने कुशल का होगा आयोजन। गंगटोक में अमित शाह ने पटेल की प्रतिमा का किया अनावरण। एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड में नए भारतीय उच्च आयोग चांसलरी का किया उद्घाटन। चीन ने अपनी पहली सौर वेधशाला हुआफू फर्स्ट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में किया प्रक्षेपित। सुल्तान जोहरा कप के लिए भारतीय टीम घोषित, मलेशिया में होगा टूर्नामेंट। श्रीनगर में चौथे हेली इंडिया समिट 2022 का किया गया उद्घाटन। तीन अमेरिकियों को बैंक पतन को रोकने में उनके शोध के लिए अर्थशास्त्र का मिला नोबेल पुरस्कार। आईसीसी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हरमनप्रीत कौर। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह का 82 साल की उम्र में हुआ निधन। यूनेस्को ने सोहरा में मोम लोहा गुफा को दुनिया के पहले 100 IUGS भूवैज्ञानिक स्थलों में चुना। चलिए डिस्कस करते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफू फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, ये काफू फर्स्ट किससे रिलेटेड है? तो याद रखेंगे, सूर्य ग्रह से ये रिलेटेड है। सूर्य के अध्ययन के लिए इसे लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। किसने इसे लॉन्च किया है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे, चाइना ने इसकी लॉन्चिंग की है और की गई है। अब डिस्कस कर लेते हैं चाइना से ही रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो कि आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। किस देश के चंद्र जांच मिशन ने चंद्रमा पर पानी के साक्ष्य खोजे हैं फ्रेंड्स? तो आपका आंसर होगा चाइना। चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? तो चीन है। पहला देश कौन सा है दुनिया का जिसने चंद्रमा पर झंडा फहराया था? ये आप कमेंट्स करके बताएंगे। किस देश के रोवर ने चंद्रमा के दूसरी तरफ, फ्रेंड्स याद रखेंगे, चंद्रमा के दूसरी तरफ दो कांच के गोलों की खोज की है? तो ये चीन के रोवर के द्वारा की गई थी। चीन की सरकारी अंतरिक्ष संस्था का क्या नाम है? तो चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन या चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से इसे जाना जाता है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, इसरो कहा जाता है भारत की अंतरिक्ष एजेंसी को। मैप में आप सभी चीन की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है चाइना। चाइना से भारत की कितनी सीमा लगती है? तो 4056 किलोमीटर सीमा लगती है। किससे? चाइना से। फ्रेंड्स याद रखेंगे, चाइना से जो भारत की सीमा लगती है इसकी सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है? तो आपका आंसर होगा ITBP। ITBP के द्वारा भारत से जो चीन की सीमा लगती है इसकी सुरक्षा की जाती है। अब आप लोगों को बताना है कि हाल ही में ITBP के महानिदेशक कौन बने हैं? हाल ही में ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये आप सभी कमेंट्स करके बताएंगे। फिर चीन से जो सीमा लगती है इसे हम मैक मोहन लाइन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो याद रखेंगे, मैक मोहन लाइन के नाम से इसे जाना जाता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में स्थित मोम लोहू गुफा को यूनेस्को के दुनिया के पहले 100 IUGC, फ्रेंड्स याद रखेंगे IUGC वो वैज्ञानिक स्थलों में से एक के रूप में चुना गया है। तो पहला पॉइंट, वो मोम लोहू जो गुफाएं हैं फ्रेंड्स ये कहां पर हैं? तो ये है मेघालय राज्य में। कहां पर है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे मेघालय में है। अब डिस्कस कर लेते हैं यूनेस्को के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी फ्रेंड्स? 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। यूनेस्को क्या वर्तमान में हेडक्वार्टर कहां पर है, मुख्यालय कहां पर है? तो आपका आंसर होगा पेरिस फ्रांस में। यूनेस्को के वर्तमान में प्रमुख कौन है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे ऑद्रे अजोले, जो कि यूनेस्को के वर्तमान में प्रमुख है। तो ये जानकारी आप सभी को यूनेस्को के बारे में याद रखनी है। पिक में आप सभी इन गुफाओं को देख सकते हैं जो कि कहां पर है, तो ये मेघालय राज्य में है। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि भारत में कुल कितनी अमूर्त विरासत धरोहरें हैं? कुल 14 है। किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स ये जो लिविंग रूट ब्रिज है ना, जो जीवित पुल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ये रबड़ के पेड़ से बनाए जाते हैं और ये कहां पर है? मेघालय। यानी कि जो मेघालय में लिविंग रूट ब्रिज है ना, इन्हें यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। तो ये तीन पॉइंट अभी हमने डिस्कस भी किए थे। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में भारत की कुल कितनी मिश्रित धरोहरें हैं फ्रेंड्स? तो मिश्रित धरोहर केवल एक है, जिसे कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि कहां पर है फ्रेंड्स? तो ये है सिक्किम राज्य में। फ्रेंड्स याद रखेंगे, भारत की एकमात्र मिश्रित धरोहर है।
किस शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है श्रीनगर को। किसे शामिल किया गया है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे श्रीनगर को शामिल किया गया है। अमूर्त धरोहर फ्रेंड्स याद रखेंगे, अमूर्त धरोहर 2022, अमूर्त धरोहर 2022 के रूप में इस बार नामित किया गया है गरबा को। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है फ्रेंड्स? तो ये गुजरात का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है फ्रेंड्स? याद रखेंगे गुजरात का है। और 2021 में अमूर्त धरोहर के रूप में शामिल किया गया था दुर्गा पूजा को। किसे शामिल किया गया था फ्रेंड्स? तो दुर्गा पूजा, जो कि कहाँ की है? पश्चिम बंगाल। तो ये दो पॉइंट भी आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथे हेली इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स हेली इंडिया समिट 2022 ये हुआ है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर हुआ है फ्रेंड्स? तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। केंद्रीय नागरिक उद्यन मंत्री यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा ने 10 अक्टूबर को श्रीनगर में चौथे हेली इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन किया है। फ्रेंड्स इस समिट का विषय क्या है? तो इस समिट का विषय है हेलीकॉप्टर फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी, इसका विषय है। मुंबई पुणे अहमदाबाद गांधीनगर और शमशाबाद बेगमपेट से 3 हेलीकॉप्टर कॉरिडोर बनाए गए हैं और नए IFR कॉरिडोर की योजना बनाई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्तान जौहर कप 2022 के लिए हॉकी इंडिया ने 18 सदस्यीय भारतीय जूनियर पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। यह खेल कहां पर खेला जाएगा? तो फ्रेंड्स ये जो खेल है ये होगा कहां पर? मलेशिया में। कहां पर इसे आयोजित किया जाएगा? तो मलेशिया में इसका आयोजन होगा फ्रेंड्स। भारत की तरफ से टीम की घोषणा कर दी गई है। आयोजन कब किया जाएगा? तो 22 अक्टूबर को किया जाएगा। कब किया जाएगा? 22 अक्टूबर को किया जाएगा। और भारत की तरफ से युवाओं की कमान कौन संभालेंगे? उत्तम सिंह। फ्रेंड्स याद रखेंगे कौन इसके कप्तान होंगे? तो उत्तम सिंह होंगे। फ्रेंड्स भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण अफ्रीका और मेजबान मलेशिया, यानी कि आयोजन कहां पर हो रहा है? तो मलेशिया में, मेजबानी मलेशिया कर रहा है। और गत चैंपियन यानी कि पिछले साल जो चैंपियन रहा था वो कौन रहा था? तो ग्रेट ब्रिटेन रहा था। उपविजेता रहा था भारत। तो ये पॉइंट भी आप सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 अक्टूबर को लड़कियों के लिए गैर पारंपरिक आजीविका में कौशल पर राष्ट्रीय सम्मेलन बेटियां बने कुशल, राष्ट्रीय सम्मेलन कौन सा है फ्रेंड्स? तो नाम याद रखेंगे बेटियां बने कुशल, किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? फ्रेंड्स 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष में ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बेटियां बने कुशल सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो आपका आंसर होगा स्मृति ईरानी। याद रखेंगे फ्रेंड्स महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 11 अक्टूबर को यह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर। अब आप लोग बताइए कमेंट्स में कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में 2022 का नोबल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो फ्रेंड्स अर्थशास्त्र में 3 लोगों को नोबल प्राइज दिया जाएगा जिसमें शामिल है अमेरिकी वैन वर्नाके, दूसरे नंबर पर है डगलस डायमंड और तीसरे है फिलिप डायबिक। फ्रेंड्स ये तीनों ही अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तीनों को ही अर्थशास्त्र में नोबल प्राइज से सम्मानित किया जाएगा। नोबल प्राइज कब दिए जाएंगे? तो 10 दिसंबर को दिए जाएंगे, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है। और ये तीनों ही अर्थशास्त्री कहाँ के हैं? तो याद रखेंगे अमेरिका के हैं। फ्रेंड्स इन्हें अर्थशास्त्र में नोबल प्राइज क्यों दिया जा रहा है? तो अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका के बारे में हमारी समझ में सुधार करने, विशेष रूप से वित्तीय संकट के दौरान बैंक पतन से बचना क्यों महत्वपूर्ण है पर उनके अग्रणी कार्य के लिए दिया जा रहा है 3 लोगों को अर्थशास्त्र का नोबल। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो फ्रेंड्स सबसे ऊंची जो वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है वो कहां पर है? गुजरात में है, जिसे हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। तो ये जो गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा जो की गई ना, सॉरी गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ये प्रतिमा जो स्थापित की गई है, ये की गई है गंगटोक में। कहां पर की गई है? तो गंगटोक में की गई है। गंगटोक किसकी राजधानी है फ्रेंड्स? तो ये सिक्किम की राजधानी है और सिक्किम के राजभवन में इस प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। कहां पर किया गया है? तो सिक्किम के राजभवन में, याद रखेंगे अमित शाह जी द्वारा किया गया है। साथ ही अमित शाह ने प्रगति पथ कॉफी टेबल पुस्तक का भी विमोचन किया है यहाँ पर, यानी कि सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में नए भारतीय उच्चायोग चांसलरी का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स ये जो उद्घाटन किया गया है ये किया गया है न्यूजीलैंड में।
कहां पर किया गया है तो याद रखेंगे न्यूजीलैंड में किया गया है विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा। अब डिस्कस कर लेते हैं न्यूजीलैंड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स यहां पर आपको देखने को मिलेगा मैप में न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की मुद्रा को कहते हैं न्यूजीलैंड डॉलर। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे न्यूजीलैंड डॉलर के नाम से जाना जाता है। न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑकलैंड है। न्यूजीलैंड की वर्तमान में पीएम है जेसिंडा। याद रखेंगे फ्रेंड्स कौन है? जेसिंडा है। न्यूजीलैंड वासियों को क्या कहा जाता है? तो कीवी कहा जाता है। फ्रेंड्स कीवी एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है, और ये कहाँ पाया जाता है? तो कीवी पाया जाता है न्यूजीलैंड में। कहाँ पर मिलेगा ये पक्षी आपको देखने को? तो न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है फ्रेंड्स? तो कीवी पक्षी ही राष्ट्रीय पक्षी है यहाँ का। यह सिर्फ न्यूजीलैंड में पाया जाता है जो कि उड़ नहीं सकता। उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से कौन सी जल संधि अलग करती है फ्रेंड्स? तो कुक जल संधि उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से अलग करती है। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ताऊपे झील है फ्रेंड्स, जो कि कहां पर है? न्यूजीलैंड में। ओराकी माउंट या कुक कहां पर है? तो ये दोनों पर्वत भी आपको न्यूजीलैंड में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो फ्रेंड्स सितंबर के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है भारतीय क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर ने। किसने जीता है फ्रेंड्स? याद रखेंगे भारतीय क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर ने यह अवार्ड जीता है, और इस अवार्ड को जीतने वाली पहली भारतीय महिला ये बन गई है। वहीं याद रखेंगे कि पुरुषों में यह खिताब जीता है पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान ने। सितंबर माह के लिए दिया गया है फ्रेंड्स ये अवार्ड, याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुलायम सिंह यादव, जिनका 10 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया, इन्होंने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है? तो फ्रेंड्स ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के ये तीन बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 1989, 1993 और 2003 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। और समाजवादी पार्टी की जो स्थापना की गई थी वो मुलायम सिंह जी के द्वारा की गई थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है।